आ गोटा हूँ रेगुलेटेड एरिया मॉन्यूमेंट रु 100 मीटर दूर लुटा से प्रोहिबिटेड एरिया अर्थात ता भीतर कौन सी कार्य परमिशन नहीं कौन सी कार्य परमिशन कर 100 मीटर रु अनदर 200 मीटर ताठु जोटा है सेटा हूँ रेगुलेटेड एरिया से किसी कार्य आप करेंगे किंतु विथ परमिशन ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया परमिशन पाई आप करेंगे किंतु गोटे अनफॉर्चुनेट घटना घटला 2017 हूँ कैबिनेट गोटे डिसीजन देला सेंट्रल गवर्नमेंट रे जे आमे जदि लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट कौटी अच्छी 100 मीटर व्यवधान रे भी जो प्रोहिबिटेड एरिया ता भीतर आम किसी कर पारिबा महाप्रभु की बलभद्र महाप्रभु की बलभद्र महाप्रभु सुभद्रा माता की सुभद्रा माता की सुभद्रा माता की आनंद कुमार हरि 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 बोलो। देखिए मैं हूँ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर। जंतर मंतर पर जो है उड़ीसा से काफी संख्या में यहाँ पर लोग एकत्रित हैं। कहीं ना कहीं जगन्नाथ मंदिर है। सर क्या जगन्नाथ मंदिर में क्या चीजें ऐसी हुई है कि आप लोगों को नई दिल्ली के जंतर मंतर आना पड़ा? महाप्रभु श्री जगन्नाथ उड़ीसा का आत्मा है और श्री जगन्नाथ का श्री मंदिर जो है वो हमारा उड़ीसा का संस्कृति सारा विश्व का हिंदू धर्म का संस्कृति है सारा भारत का ये आत्मीय है। तो आज जो जगन्नाथ मंदिर बना है श्री मंदिर उसके मंदिर का प्राचीर से 15 मीटर के बाद आज खुदाई हो रहा है 30 फुट का मशीन से खुदाई हो रहा है गवर्नमेंट का ब्यूटिफिकेशन के नाम से वो खुदाई हो रहा है। वी आर नॉट एगेंस्ट द ब्यूटिफिकेशन ब्यूटिफिकेशन होना चाहिए बट उसके जो खुदाई हो रहे बहुत हाई पावर शक्ति मशीन के साथ खुदाई हो रहा है और हाई एनर्जी का वो जो वाइब्रेशन होता है मंदिर के ऊपर पड़ रहा है। और जगन्नाथ मंदिर जो बना है कोई रॉड और सीमेंट से नहीं बना है वो पत्थर कर पत्थर में बना है। और जगन्नाथ का मंदिर का जो एरिया है समुद्र के पास है समुद्र से जो नमक वाले पानी आता है हवा आता है तो ये वो क्लाइमेट थोड़ी विपरीत है मंदिर के लिए विपद है। उसके बाद वो खुदा है हो रहा है और कुछ कल को पत्थर में कुछ दड़ाव आएगा और कुछ दिक्कत होगा और हजार साल का संस्कृति और मंदिर है भारत का और ये को काफी हिंदुओं को मंदिर के प्रति आस्था है हाँ बस्ती आस्था है। कल पूरा उड़ीसा का हर डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर में जाकर सारे लोग मेमोरेंडम दिया है कलेक्टर को और अभी उसमें यहाँ पर हम लोग उड़ीसा के टीम आकर डेलीगेट आकर यहाँ पर कल्चरल मिनिस्टर को भी दिया है और यहाँ पर पीएम को दिया है और ये राष्ट्रपति को दिया है ये सबको दिया है हम लोग वो उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर दिया है। उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर को आपने दिया है मुख्यमंत्री जी को वहाँ पे क्या उनका जवाब आया? उड़ीसा उनका कुछ जवाब अभी तक आया नहीं बट काम का कोई बंद भी नहीं हुआ है तो इसलिए कल काम भी चल रहा है। कल उड़ीसा का हाई कोर्ट कटक में उसके लिए सुनानी है तो इसके पहले हम लोग सारा जो उड़ीसा और भारत का जगन्नाथ प्रेमी वो बताना चाहते हैं ये पहले काम बंद करिए उसके बाद जो गवर्नमेंट का गाइड और रूल रेगुलेशन और प्रॉपर प्लानिंग करके बाद वो जो भी ब्यूटिफिकेशन का काम होना चाहिए वो करिए। आप लोग कोर्ट गए? हाँ कोर्ट भी उसमें गए। स्टे कल का सुनानी है कल मंडे सुनानी है हाई कोर्ट कटक में। तो आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं जो भी ब्यूटिफिकेशन होना चाहिए जरूर होना चाहिए बट मंदिर की सुरक्षा पाई में मंदिर नहीं रहेगा तो मंदिर के पास ब्यूटिफिकेशन का क्या रहेगा मत तो इसलिए वो जगन्नाथ का जीपीएस के जरिए जीपीएस फोटोग्राफी सिस्टम से वो सर्वे होए वो नीचे क्या है किसी हिसाब से काम होगा जो 75 मीटर के बाद अंदर में कर रहे तो वो प्रॉपर एएसआई का जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उनके परमिशन ने प्रॉपर एक्सपर्ट टीम से सलाह लेकर वो काम जो भी करना ब्यूटिफिकेशन काम करना चाहिए। अगर यदि इस पे संज्ञान नहीं लेती है गवर्नमेंट तो आप लोग आगे क्या करेंगे? आगे पूरा उड़ीसा का जो जनमानस है पूरा राज्य रास्ते में रहेगा जब तक ये नहीं खत्म होगा तब से कोई नहीं बैठेंगे। सूर्य नारायण मिश्र मैं प्रभास ओडिया विकास समिति का अध्यक्ष हूँ। सर आज आप लोग धरने का जो कर रहे हैं उसका मेन उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि श्री जगन्नाथ मंदिर जो पुरी में है उसके चारों तरफ एक कॉरिडोर तैयार कराया जा रहा है। बहुत अच्छा चीज है होना भी चाहिए हर जगह सुंदरता होना चाहिए लेकिन इस सुंदरता के पीछे 100 मीटर दूर के अंदर कोई भी प्रोहिबिटेड एरिया होता है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का आमसर एक्ट के हिसाब से। इस
बालू का क्षेत्र है, बालू के ऊपर जगन्नाथ मंदिर पड़ा हुआ है। आज का 1000 साल हो गया मंदिर है, तो इस मंदिर जब 100 साल हो गया है, बहुत साइक्लोन आता है, सलाइन क्लाइमेट है, तो मंदिर का डिजेनरेशन होता है, थोड़ी सी इधर उधर हो जाएगा, सलाइन इंग्रेशन होगा, सलाइन का वाटर नीचे आ जाएगा। तो उस टाइम पे जब सपोज आपका जो फाउंडेशन है उसके नीचे कुछ कंस्ट्रक्शन मैंने आप डिगिंग करते हो तो वो वीक हो सकता है, ठीक है, जो वीक होगा तो स्लाइड हो सकता है, क्योंकि वो पूरा ग्रेविटेशनल फोर्स में सीधा खड़ा है, जैसे विमान सीधा खड़ा है वैसे खड़ा हुआ है, थोड़ी सी इधर हो जाए थोड़ी उधर हो जाए तो पूरा ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे आ जाएगा, रहेगा नहीं। ये हर भक्त का अप्रिहेंशन है, तो इसलिए हमने बोल रहे हैं कि एक एक्सपर्ट कमिटी आ जाए, वो इम्पैक्ट असेसमेंट हो जाए और वो काम हो जाए तो जगन्नाथ मंदिर का सुरक्षित रहेगा, जो विरासत है वो रहेगा। आजकल वो कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाएगा, आपका सीमेंट का कंस्ट्रक्शन होता है, कहीं ये कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाता है, पत्थर का पत्थर ज्वाइंट करके जो कंस्ट्रक्शन वो चीज नहीं हो पाता है, इसलिए जो हमारे पास है उसको सुरक्षा किया जाए। ये आप जो बोल रहे कंस्ट्रक्शन का जो काम चल रहा था वो कितने दिन हो गए इसको? अभी 2 महीने के करीब हो रहा है, कर रहे हैं। तो आपने उसी समय क्यों नहीं आवाज शुरू कर ले? हमने बहुत टाइम से शुरू कर रहे हैं, उस पर दबाया जाता है लोगों को। तो आप वहाँ के मुख्यमंत्री जी के पास नहीं गए उड़ीसा? मुख्यमंत्री जी के पास बहुत लोग जा रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री के साथ जो लोग कमेटी में है वो डाल रखे हैं, लेकिन अभी तक वो चीजें पब्लिक नहीं हो पा रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो पा रहा है। तो आप लोग कहाँ कोर्ट में भी गए हैं? कोर्ट में गए हैं, कोर्ट में गवर्नमेंट ने टाइम ले रखा है 2 बार कि कब वो अपनी WS मतलब रिटर्न स्टेटमेंट रेस्पॉन्ड एज ए रेस्पॉन्डेंट रिटर्न स्टेटमेंट देने के लिए समय ले रखे हैं, अभी तक बताया नहीं। इस समय लेते लेते क्या होगा, जो कंस्ट्रक्शन है बन जाएगा, ठीक है ना, पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। तो क्या इससे फर्क क्या पड़ रहा है, अगर कंस्ट्रक्शन हो भी रहा है तो क्या दिक्कत? बोल तो दिया आपको, इसका कंस्ट्रक्शन यदि बालू 30 फीट बालू यदि नीचे आप डिगिंग कर रखे हो तो थोड़ी सी इधर होगा इसका पानी आ जाएगा तो इंग्रेशन होगा, हाँ वो कम हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो सर अब आप लोगों की डिमांड्स क्या है? डिमांड ये है कि एक्सपर्ट कमेटी आ जाए, एक्सपर्ट कमेटी इसको करे मैंने करे फाइनल करे और उसके ऊपर काम हो जाए, एक्सपर्ट कमेटी होने जो रिपोर्ट दे देता अच्छा है तो कर लो। अगर ये डिमांड्स नहीं होती है पूरी तो आगे आप लोग क्या? बहुत सारा भारत में से चलेगा, हमारा आंदोलन चलेगा। और भी कोई आपके संगठन है जो हिंदू संगठन है? पूरा कर रहे, पूरा विश्व हिंदू परिषद से लेकर धर्म जागरण सब समर्थन दे रहे, सब लोग दे रहे। सत्यदास मैं प्रवासी उड़िया विकास समिति का उपसभापति हूँ। सर आज आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मंदिर में जो घटना है आप कह रहे हैं कि इसको जो है पहले नोटिस दिया जाना था, फिर उसके बाद जो भी आप मंदिर में कुछ भी था वो निर्माण हो चाहे और भी चीजें हो वो चीज चालू होती है। ऐसा है कि जगन्नाथ जो संस्कृति है उड़ीसा का, जगन्नाथ उड़ीसा का परिचय है, आइडेंटिटी, तो उड़िया जाति का आइडेंटिटी है, उड़िया जाति का गड़ियान है, तो जगन्नाथ मंदिर में कुछ भी होता है तो उड़िया लोग को आघात पहुँचता है। तो अभी जो चल रहा है खनन का कार्य, तो इसमें लोग का अंदर में एक होता है कि ये मंदिर को कुछ आघात नहीं करेगा था, क्योंकि बहुत पुराना मंदिर है, लोगों की आस्था है, आस्था है, यानी पुराना मंदिर है, ये मंदिर को कुछ आघात कर लेगा, जैसे कोणार्क का मंदिर अभी चला गया, हमारे हाथ से गिर गया, तो इस तरह जो लोग का मन में जो दुविधा है उसको एक्चुअली क्लैरिटी करने के लिए इस टाइम में जो अथॉरिटीज है दे शुड गिव ए प्रॉपर क्लैरिफिकेशन एक्चुअली एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग, how much that is not affecting to the temple, and if there is a toilet and everything what is to be built there should be some after some distance, not just like adjacent to the temple. So this is very critical, and being a Odia, I'm from Odisha, so we are very much concerned about that temple, because if the Jagannath temple will be something will be it will be affected, so we'll be really very much disturbed. अगर आप ये आप लोग जंतर मंतर पर धरना तो कर ही रहे हैं, अगर धरने के माध्यम से भी आपकी मांगे जो है सरकार नहीं सुनती है तो आगे आगामी योजना आप लोग की क्या है? नहीं, आगामी योजना तो हम ये तो नेचुरल है, हम बोल नहीं सकते कि क्या आगामी योजना होगा, बट इससे बोल सकते हैं कि माने ये जो आज हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कल भी एक कोर्ट में हम लोग का केस हुआ था, वो भी कल आने वाला है, उसके बाद सुनने के बाद हम देखेंगे कि क्या कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि सरकार
जरूर सुनेंगे इस चीज़ में, बिकॉज हम लोग का ये प्रोटेस्ट के माध्यम से सरकार को हमारा जो आघात पहुंचा है हमारा ये में वो पहुंचना चाहते हैं वार्ता। तो थैंक यू।